Hello students, this is Neeraj Gupta. Video number 22. Partnership Fundamentals के chapter में illustration number 14. मेरे पास जो book है उसमें page number 2.30. The question says that X and Y are partners in a firm. X to get 10%, X to get commission of 10% of net profit. Okay, net profit का 10%. बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. ओ ये तो बहुत ईजी हो गया, आपको याद होगा फॉर्मूला. फिर तो जो भी प्रॉफिट दिया होगा इंटू 10/100 कर देंगे. बात करते हैं वाइज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इसका भी सेम है. आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, अब यहां इस पॉइंट में इस लाइन के अंदर ही पढ़ाने और पढ़ने वाली चीज है. द क्वेश्चन सेज दैट वाइज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन. एक तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी इस बार 10/110 लगेगा. बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन ये था एक्स में, उसमें लगेगा 10/100, और वाई में है आफ्टर चार्जिंग, इसमें लगेगा 10/110. एक तो ये चीज क्लियर है. दूसरा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है, तो इसका मतलब एक्स का कमीशन भी नेट प्रॉफिट से माइनस करने के बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे. बस अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन क्लियर है. नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 55 दिया हुआ है, आपको कमीशन निकालने, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है. We are supposed to do illustration 14. Now, अब हम commission of X सबसे पहले निकालें. अगर commission of X, अगर हम commission of X पहले निकालें तो question के अंदर दिया हुआ डेटा 55,000 हमारा net profit है, 55,000 is our net profit, और 10% उसका निकालना है 10/100, तो it is coming to ₹5,500. तो 55,000 का 10% हमने निकाल लिया, बिकॉज ये क्लियर कट था. बिफोर कमीशन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे प्रॉब्लम तो आफ्टर वाले में भी नहीं. आफ्टर में बस 10/110 हो जाएगा. नाउ अभी अगर हमें कमीशन ऑफ वाई अगर निकालना है, क्योंकि उसने कहा है आफ्टर ऑल कमीशन, तो वाई का जब निकालना है तो प्रॉफिट 55,000 में से ये जो हमने निकाला 5,500, ये भी मुझे माइनस करना होगा. तो ये फिगर आ जाएगी 49,500 इंटू 10/100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो यानी ये हो जाएगा 49,500 इंटू 10/110. ठीक है, कैलकुलेटर में ले लेता हूं अपना. 49,500 इंटू 10/110 दैट्स 4,500. ठीक है ना. तो क्वेश्चन ने कहा है कि भी आप अपने वर्किंग्स को दिखाओ. तो मेरा जो 55,000 रुपए का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, इसमें से कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई 5,500 और 4,500 है ना, 5,500 एंड 4,500 इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विद 10 चला गया 45,000. अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये इक्वल हो जाएगा 22,500 and 22,500. इसमें फिर उसके बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं, इस क्वेश्चन का मुरब्बा निकल चुका है. अब बस इतना ही बचा है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं अगर यहां बना दूं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 55,000. IOD है नहीं, वही आइटम होती है हमारे पास क्रेडिट साइड पे. डेबिट साइड पे IOC भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, सिर्फ एक कमीशन है. तो कमीशन X का है 5,500 और Y का है 4,500. 10,000 चला गया, अब बच गया प्रॉफिट. सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल वो भी हमने निकाल लिया है 22,500 दैट्स 45,000 टोटल 55,000. इस क्वेश्चन में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है. तो मेन मैंने आपको पहले बोला था इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन है ध्यान से पढ़ने वाली कि वाई का कमीशन कैसे कैंप्यूट होगा,
है ना, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ 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 क्वेश्चंस की जो मेन एक पॉइंट है, जैसे आपको ध्यान होगा पिछले इलस्ट्रेशन में भी मैंने बोला था ड्राइंग्स की एंट्री इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को ना आप एक ग्रीन कलर का पेन आता हाईलाइटर तो उससे हाईलाइट कर दो, इतनी मोटी ये अभी आपको पता है 2-3 किताबें आपके सिलेबस में, तो सारे क्वेश्चन लास्ट के डेज में करने में मुश्किल होगी, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट एंट्रीज अगर हाईलाइटेड रहेंगी तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।